आप देख रहे हैं YouTube का तेजी से बढ़ता चैनल और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। दो दिनों से राजस्थान में इंटरनेट सेवा को बंद करके सरकार ने पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को सफल बनाने का प्रयास कर भले अपनी पीठ थपथपा दी हो, मगर देखा जाए तो इस तरह से आम जनता की आजादी पर अंकुश लगा के सरकार और प्रशासन ने अपनी नाकामी को उजागर किया है। मात्र 4 घंटे की प्रतियोगी परीक्षा को सफल बनाने के चक्कर में 10 घंटे इंटरनेट बंद करके आम आदमी के साथ साथ सरकार ने स्वयं को भी नुकसान में ला दिया। दरअसल पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को सफलतापूर्वक करवाना मौजूदा सरकार के लिए नाक का सवाल बन गया था, जिसके चलते पूरे राजस्थान की जनता पर दो दिनों साइबर इमरजेंसी जैसे हालात बनाए गए। प्रदेश के 3 करोड़ यूजर परेशान हुए। छोटे व्यापारी जो कि अपना व्यापार इंटरनेट के माध्यम से चलाते हैं, दो दिनों तक बेरोजगार से हो गए। लगभग 50 करोड़ रुपए का बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो मोबाइल के माध्यम से होते हैं नहीं हो पाए। ऐप आधारित टैक्सी सर्विस भी ठप हो गई। रेलवे टिकट बुकिंग भी प्रभावित हुए। साथ ही नए मोबाइल सिम कनेक्शन भी नहीं मिल पाए। और तो और मोदी के डिजिटल इंडिया मूवमेंट को धक्का पहुंचा और लोग कैशलेस की जगह रोकड़ को अपनाने को मजबूर हुए। टेक्नोलॉजी के युग में परीक्षा केंद्र पर जैम लगा के नकल को रोका जा सकता था तथा और भी कई तरह के साधनों को अपनाया जा सकता था ताकि आम जनता को परेशानी नहीं होती। यदि सरकार इस तरह परीक्षाओं को सफल बनाती है तो आने वाले दिनों में जनता को इसी तरह की परेशानी भोगना आम बात हो जाएगी। आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।